हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पड़ने वाले बावल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला ऐसा है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल वार्ड नंबर 2 वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले दीपक के घर बिजली विभाग ने 78 लाख रुपए का बिल भेज दिया। जब परिवार ने बिल देखा तो उनके होश उड़ गए। बिजली विभाग की इस लापरवाही के बाद दीपक क्या उसका पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान हो चुका है। दीपक का कहना है कि उसके परिवार में 6 सदस्य हैं और घर में कुल 4 कमरे हैं, जिनमें बिजली इस्तेमाल होने के बाद बिल 500 से 700 के बीच आता रहा, लेकिन पिछले महीने उसे 60,000 रुपए का बिल भेजा गया था और इस बार विभाग ने तो उसे 78,21,095 रुपए का बिल भेज दिया है। दीपक का कहना है कि 60,000 रुपए का बिल आया तो उसने मामले की शिकायत की तो बिजली विभाग इसे सही करने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंत में उसने कनेक्शन काटे जाने के डर से लोन लेकर बिजली का बिल चुका दिया और अब जब 78 लाख का बिल आया है तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसका कहना है कि इतना बड़ा बिल तो वो घर बेचकर भी नहीं चुका सकता। पिछला बिल हमारे 60,000 का आया था जो हमने लोन लेके दिया है और अब दिसंबर में जो बिल आया है वो 78,21,094 रुपए का आया है। इतनी बड़ी रकम सुनकर हम तो अचंभित रह गए, इतना बिल कैसे आ सकता है यार। एक वाट का मीटर लग रहा है हमारे, ज्यादा कुछ चलता भी नहीं कुछ भी। और हमने इसकी कंप्लेंट एसडीओ से दे दी, लिख के उन्होंने अपना लाइनमैन भेजा था, वो डिटेल लिख के ले गया और मेरा एसडीओ साहब से और उनके जो बड़े अधिकारी उनसे यही अनुरोध है कि इसको मामले को सही से जांच करें। दीपक ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पूरे मामले पर बवाल पर एसडीओ रविंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें इस बिल की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि गलत रीडिंग डालने की वजह से सिस्टम से जनरेटेड होता है, लिहाजा गलत बिल बना है, इसे ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। 78 लाख का भी गलत रीडिंग डालने के कारण वो सिस्टम में खामी की वजह से जनरेट हो गया था, जो कि हमने करेक्ट करने के लिए भेज दिया और कंज्यूमर को भी इंटीमेट कर दिया था। कंज्यूमर को कल बता दिया गया, उसका बिल जो करेक्ट है वो 3,000 के अराउंड बन रहा है। बहरहाल प्रशासन की ओर से मामला सुलझा दिया गया है और एसडीओ ने इसे ठीक करने के लिए भी भेज दिया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि बिजली विभाग हो या कोई दूसरा विभाग, आखिर इस तरह के घटनाक्रम कैसे हो जाते हैं? क्या विभाग के लोग अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाते और हर बार का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ दिया जाता है? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।